الزمان نأتيها بيدتي حد الحكي وصاير What's up guys? So finally मेरा first vlog आ रहा है. मुझे बहुत सारे DMs आते थे, messages आते थे कि brother आपका जो photo, जो location होता है photo shoot का वो clear होता है, बहुत अच्छे होते हैं photo. आप जाके मेरे Instagram ID पे check कर सकते हो, मैं यहाँ पे दे दूँगा Instagram ID कि आपका जो location होता है बहुत अच्छा होता है. तो मैंने बोला क्यों ना आप लोग को location दिखाया जाए. Basically मेरे साथ भी ये हुआ है. मैं जब स्टार्टिंग में फ़ोटो शूट करने आ रहा था तो मैं बैंड स्टैंड समझ के मैं यहाँ पे आया था. मैंने जो जहाँ पे कपल्स लोग रहते हैं मैं वहाँ पे शूटिंग वहाँ पे फोटो शूट किया था. मेरे को लगा कि वही लोकेशन है, वहीं पे शूटिंग करना है. बट एक्चुअली जब जब धीरे धीरे हम लोग करना चालू किया, धीरे धीरे आना चालू हुआ, हम लोग को धीरे धीरे मालूम चला, तो मालूम चला कि और ऐसे लोकेशन है जहाँ पे प्रॉपर शूट होते हैं, जहाँ पे प्रॉपर फोटो शूट होते हैं. तो जिससे थोड़ा ही बैंड स्टैंड से थोड़ी ही दूरी पर बांद्रा फोर्ट करके एक प्लेस है जहाँ पे प्रॉपर फोटो शूट, वीडियो, शादी के प्री वेडिंग प्रॉपर के, अगर किसी को डांस वीडियो बनाना है, किसी को म्यूजिक वीडियो बनाना है, बेस्ट लोकेशन. सो फाइनली दिस ब्लॉग इज जस्ट अबाउट दैट कि मैं बता सकूँ आप लोगों की लोकेशन क्या क्या होता है, क्या करता हूँ, क्या कैसे करता हूँ. सो लेट्स गो. लोकेशन दिखाता हूँ यहाँ का, आप खुद बोलोगे कितना प्रॉपर लोकेशन कितना अच्छा. जैसा आप लोगों ने लोकेशन देखी लिया कितने ब्यूटीफुल लोकेशन है. सो प्लीज़ यहाँ पे आइए, बहुत बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन. जो मुंबई में बेसिकली रहते होंगे लोग आए होंगे यहाँ पे फोटोशूट कराने के लिए आए होंगे, और जो बाहर से आते होंगे यहाँ पे फोटोशूट कराने के लिए उनको लोकेशन भी मालूम होगा. सो आइए यहाँ पे आइए, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है. और बेसिकली अगर आप कभी आप यहाँ पर आ भी रहे हो ना, फोटोशूट कहीं भी करने जा रहे हो तो अपना जो भी ग्रूमिंग का प्रोडक्ट रहेगा, जहाँ तक मैंने नोटिस किया जितना मैं फोटोशूट किया हूँ, जितना मैं गया हूँ, मुझे मालूम है कि कभी भी आप जा रहे हो तो ऐसे मत जाइए मैं सिर्फ फोटोशूट कराने जा रहा हूँ, कैमरे ले लिया, कैमरा ले लिया बस चले गए. नहीं, फोटोशूट कराने जा रहा हूँ ना तो जो बेसिकली आपका फेस जो होता है, आप ट्रेवलिंग करके आ रहे हो, आपका ट्रेवलिंग करके आ रहे हो, आपका फेस पूरा डल हो जाता है, पूरा टैन हो जाते हैं. तो इसके लिए ना ग्रूमिंग का प्रोडक्ट जो होता है ना, वो हमेशा अपने साथ कैरी करो कि जब आप अपने लोकेशन पहुँचो तो हाँ अपने फेस को ग्रूम कर सको, फेस क्लियर आ सके. एडवाइस देना चाहता हूँ कहीं भी जाओ ग्रूमिंग का प्रोडक्ट रखो. थैंक यू सो मच. सो गाइस दिस इज माय फाइनल फर्स्ट ब्लॉग. अगर आप मेरा फर्स्ट ब्लॉग पसंद आया सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब फ्री. सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो.